वेलकम टू अनुज ग्रीन लीफ। आज हम बनाने जा रहे हैं आप सबकी पसंद का सूजी का हलवा, जो कि बहुत आसान है, तुरंत बन जाता है। अगर आपका मीठा खाने का मन करता है तो आप तुरंत बना सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि इतना स्वादिष्ट भुना हुआ दानेदार सूजी का हलवा कैसे बनाना है, तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को एंड तक देखिए। तो सूजी का हलवा बनाने के लिए हम सबसे पहले गैस पर कढ़ाई रखेंगे, गैस ऑन करेंगे और उसमें 3 से 4 बड़ी चम्मच देसी घी डालेंगे। यहाँ मैंने गाय का देसी घी यूज़ किया है, आप लोग भी यही यूज़ कीजिएगा। ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अब कढ़ाई में हम आधी कटोरी सूजी डालेंगे। यहाँ हमें सूजी को रोस्ट करना है, भूनना है, जब तक कि उसका कलर ब्राउन कलर का ना हो जाए। तो आप सूजी को बिल्कुल कम गैस पर भूनिएगा, आप ज़्यादा गैस मत यूज़ करिएगा, नहीं तो सूजी जल सकती है। तो सूजी को भूनते टाइम हमें चमचे को बिल्कुल चलाते रहना है, रुकना नहीं है। तो देखिए हमारी सूजी भून चुकी है, ब्राउन कलर की हो चुकी है। तो अब आप गैस बंद कर दीजिए। अब हम एक पैन लेंगे और उसमें 2 बड़े ग्लास पानी डालेंगे। ये हम एक मिक्सर बना रहे हैं सूजी में डालने के लिए पानी का। अब हम गैस ऑन कर देंगे और हम इस मिक्सर में आधी कटोरी चीनी डालेंगे। तो चीनी की मात्रा आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा कर सकते हैं। अब हमें इस पानी को बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे गरम करना है ताकि बॉयल हो जाए। हमने इसमें चीनी डाल दी है, तो जब ये पानी बॉयल होगा तो चीनी अच्छे से पानी में मिक्स हो जाएगी। अब हम इसमें अपने ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे और अच्छे से चमचे से चला देंगे। हम ड्राई फ्रूट्स इसमें पहले इसलिए डाल रहे हैं ताकि ड्राई फ्रूट्स का कच्चापन चला जाए, वो पक जाए। तो क्योंकि जब हम सूजी का हलवा खाएंगे तो वो ड्राई फ्रूट्स का कच्चा टेस्ट नहीं आएगा। तो लीजिए हमारा पानी बॉयल हो चुका है, अब हम गैस बंद कर देंगे और अब इस पानी को हम अपनी सूजी के मिक्सर में डाल देंगे। अब हम अपनी गैस ऑन कर देंगे और धीरे धीरे चमचे से हम इस पानी को सूजी में मिक्स करेंगे। यहाँ हमें मीडियम फ्लेम यूज़ करना है, आप ज़्यादा फ्लेम यूज़ मत करना वरना ये बहुत जल्दी जल जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि अच्छे से सूजी को चलाते रहेंगे मीडियम फ्लेम पे। हमें तब तक इसे चलाते रहना है जब तक सूजी फूल नहीं जाए। जब सूजी फूलने लगेगी, धीरे धीरे बॉयल आ जाएगा उसमें, तब हम बिल्कुल कम गैस पे इसे चलाते रहेंगे और ये धीरे धीरे सूजी हमारी गाढ़ी हो जाएगी, फूल जाएगी, तब हमारा सूजी का हलवा बन जाएगा। आप ज़्यादा गैस यूज़ मत करिएगा, नहीं तो सूजी का हलवा जल सकता है। तो देखिए हमारा सूजी का हलवा फूल गया है, अब धीरे धीरे ये गाढ़ा हो जाएगा और हमारा सूजी का हलवा बन चुका है। आप ये सूजी का हलवा मेहमानों के लिए बना सकते हैं, बच्चों के लिए बना सकते हैं, प्रसाद में बना सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है खाने में भी। अब हम इसमें 2 से 3 चम्मच घी डाल देंगे। आप चाहें तो घी और ज़्यादा डाल सकते हैं, और टेस्टी हो लगेगा ये सूजी का हलवा। अब हम इसे गार्निश करेंगे प्लेट में और इसे ड्राई फ्रूट से गार्निश कर देंगे, सर्व कर देंगे। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये सूजी का हलवा। तो आप लोग भी अपने घरों में ज़रूर ट्राई करें सूजी का हलवा और ज़रूर मेहमानों को खिलाएं, ये बहुत टेस्टी लगता है। अब इसे ड्राई फ्रूट से और घी से हम इसे गार्निश कर देंगे। तो देखिए सूजी का हलवा कितना अच्छा लग रहा है, आप लोग ज़रूर ट्राई करें। अगर आप लोगों को ट्राई करने के बाद ये रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप भी मेरे चैनल के नीचे का लाइक बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।